गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे योर टॉपिक इज टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, सबसे पहले हमको देखना है कि ये टाइप्स ऑफ अकाउंट मतलब अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, फर्स्टली है पर्सनल अकाउंट, फिर सेकेंडली है इम्पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब इम्पर्सनल अकाउंट में दो अकाउंट और होते हैं, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, अब टोटल मिला के ये आपके अकाउंट कितने हो गए, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। ठीक है, तीन अकाउंट आपके हो गए। अब हमको ये देखना है कि ये तीनों अकाउंट में क्या क्या चीज़ रिलेटेड होता है, तीनों अकाउंट में क्या क्या चीज़ आती है। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट जो होता है वो उसमें तीन कैटेगरी होती है, नेचुरल पर्सन होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है एंड रिप्रेजेंटेटिव होता है। ठीक है, नेचुरल पर्सन जो गॉड मेड होता है, जिसको गॉड ने बनाया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल में जैसे राम हो गया, मोहन हो गया, सुहन हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, किसी पर्सन का नाम आ जाए वो क्या है, वो नेचुरल पर्सन है। नेक्स्ट होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो होता है वो मैन मेड होता है, जिसको इंसानों ने बनाया है। ठीक है, वो क्या होता है, मैन मेड है, जैसे कि कोई फर्म हो गया, कोई कंपनी हो गई, कोई इंस्टीट्यूशन हो गया। ठीक है, फिर एक होता है रिप्रेजेंटेटिव, जो प्रेजेंट करता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओनर। तो ओनर क्या करता है, अपने बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी आउटस्टैंडिंग करता है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी को प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बकाया, और प्रीपेड का मतलब होता है एडवांस में देना। ठीक है, अब देखते हैं कि ये रियल अकाउंट में क्या होता है। रियल अकाउंट जो होता है वो रिलेटेड होता है एसेट्स से। ठीक है, एसेट्स, और एसेट्स आपकी होती है दो टाइप की, एक होती है टेंजिबल एसेट्स, एक होती है इनटेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, जैसे आपका कैश हो गया, बिल्डिंग हो गया, मशीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ हो सकती है। फिर इनटेंजिबल एसेट्स क्या है, वो एसेट्स जिसको हम नहीं देख सकते हैं, ना ही छू सकते हैं। वो एसेट्स होती है लेकिन वो एसेट्स इनटेंजिबल होती है। ठीक है, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल में गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया, एक्सेट्रा, और सारी बहुत सारी हो सकती है। अब हम देखेंगे नॉमिनल अकाउंट में क्या क्या रिलेटेड होता है। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम, गेन एंड प्रॉफिट। ठीक है, एक्सपेंसेस हो रहा है, लॉसेस हो रहा है, और इनकम, गेन एंड प्रॉफिट हो रही है, तो वो अकाउंट नॉमिनल अकाउंट में वो सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, ये हो गए आपके टाइप्स ऑफ अकाउंट। फिर नेक्स्ट हम बताएंगे आपको रिलेशन ऑफ अकाउंट्स, फिर बताएंगे आपको हम लोग इसका रूल। ठीक है।